गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टू क्लास तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इन डिफरेंट फील्ड जस्ट गिवन एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन स्पेसिफिक फील्ड ठीक है तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है That too, in the last 30 40 years, and uh, it has uh, literally improved the crop varieties and all. So, let us see how it is involved, how the application of biotechnology in agriculture has helped us to have better crop cultivations. So, I'll directly go to the points here. So, if you observe, there are three kinds of uh, methods of agricultural development. फर्स्ट मेथड जो है उसको एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बोला जाता है ना दिस एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ओके तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करके जो हमने डेवलप किया है द इंक्रीज और इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स that is called as agrochemical based agriculture now this started some around uh, 50 60 years back but before that usse pehle kya tha it was organic culture organic culture matlab yahan pe koi bhi chemicals use nahi hote the this is a very traditional method of uh, agriculture where no chemicals were used instead natural uh, जो भी फर्टिलाइजर अवेलेबल था उसी से वो लोग कल्टीवेशन करते थे लाइक like काउडंग हो गया आपका या फिर मैन्योर्स हो गया और दे वर यूजिंग नोड्यूलेटेड प्लांट्स वो लोग ग्रो करते थे टू इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन तो वो नेचुरल मैथड्स है ऑर्गेनिक मेथड्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक मेथड का एक बेसिक प्रॉब्लम ये था कि आपका प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता था इट इज नेचुरल इट इज सेफ बट द प्रॉब्लम इज इट वॉज नॉट गिविंग ए वेरी हाई ईल्ड और हाई प्रोडक्टिविटी वेर एज एग्रोकेमिकल बेस्ड कल्चर दे आर गिविंग वेरी हाई प्रोडक्टिविटी दे ऑल्सो था ये केमिकल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स दे वेर कैरिंग आउट ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन इनफैक्ट बायोमैग्निफिकेशन जैसे प्रोसेस के लिए भी केमिकल्स ही रेस्पॉन्सिबल थे पेस्टिसाइड्स लाइक एंड ऑल तो दे वर कॉजिंग मच ऑफ ए प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीजिंग बट दे वर कॉजिंग हार्म तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना पड़ा एंड दैट इज वेर दिसम इन टू एग्जिस्टेंस द न्यू मेथड ऑफ कल्टिवेशन दैट इज योर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स. तो जेनेटिकली क्या होता है यहाँ पे हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्रॉप का जैसा प्रोडक्टिविटी चाहिए हम उसके जीन्स को उस तरह से चेंज कर देते हैं सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा अगर कोई क्रॉप का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजीज तो उसका डिजीज रेजिस्टेंट जीन अगर हम लोग उसमें डाल दें तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा अगर कोई क्रॉप ड्राउट एरिया में ग्रो नहीं कर पा रहा है कम पानी में ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वहां पे अगर हम लोग ड्राउट रेजिस्टेंट जीन उस प्लांट में डाल दें उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो दैट इज हाउ जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ठीक है ग्रीन रिवॉल्यूशन दिस इज अराउंड 1950-1960 इन इंडिया तो वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिस बट नॉट स्टिलोइ पॉपुलशन बिकॉज आप लोग जानते ही हो इंडिया वेरी लार्ज कंट्री हैड्रेड एंड ट्वेंटी सो इट इज वेरी डिफिकल्टू मेनटेन ऑफ दिस

वो आपका विटामिन ए भी देगा बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट वी नो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बढ़ा सकते हैं प्लांट्स का वी कैन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सॉरी। टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट हीट प्लांट्स इस चीज को रेजिस्टेंट बन सकते हैं ये जो इसको यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस तो हार्वेस्ट मतलब आप एक बार क्रॉप हो गया उसको जब काट के यूज करते हो तो ये जो काटने का प्रोसेस होता है हार्वेस्ट करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत सारा क्रॉप लॉस हो जाता है उसको हम लोग रोक सकते हैं इंक्रीज इन दफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाई द्लांट्स ये भी जेनेटिकली मोडिफाई हम कर सकते हैं प्लांट्स का जो न्यूट्रिशनल एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं

the insect eats the plant the insect will die okay now this is how it is carried out the pest resistant plants reduce the use of chemical pesticides one such approach was the introduction of bt toxin to target plant example bt cotton bt corn bt rice bt tomato so this kind of plants we have already developed the bt toxin is produced from bacillus thuringiensis as i told you bacillus thuringiensis

तो हर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए वो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और जीन भी अलग अलग होता है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ठीक है देर विल बी डिफरेंट जीन फॉर ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स नाउ द बीटी टॉक्सिन एक्सप्रेस इट सेल्फ एज ए प्रोटीन क्रिस्टल एट ए पर्टिकुलर फेज ऑफ द बैक्टीरिया विच इज अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन तो वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है नाउ दिस बीटी टॉक्सिन एक्सिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एंड ऑन इंजेक्शन इट बिकम्स एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन एट अल्कलाइन पीएच

तो इस तरह से वो इंसेक्ट को मार देता है ठीक है प्रोटॉक्सिन प्लांट प्रोड्यूस करता है लेकिन प्लांट का कुछ अल्कलाइन पीएच होता नहीं है तो प्लांट के बॉडी में ये टॉक्सिन एक्टिवेट होगा नहीं प्लांट को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन जैसे ही ये इंसेक्ट के बॉडी में जाता है इफ ए इंसेक्ट इज ईटिंग प्लांट एंड इज गेटिंग इन टू द इंसेक्ट बॉडी इन द इंटस्टाइन वे देर इज अल्कलाइन पीएच ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो छोटे छोटे छेद कर दैट मेक स्मॉल होल्स होल्सोरे इन द इंटेस्टाइन और द मिडगट रीजन ऑफ द इंसेक्ट

So, ये भी एक रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए टेक्निक है बिलोंगिंग टू दिलमेंस इट इज ए पैरासाइटिक काइंड ऑफ ए वॉर्म विच इनफेक्ट द रूट ऑफ दो प्लांट तो ये टबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है और प्लांट को उसका ग्रोथ कम कर देता है ठीक है स कैसे काम करता है थिंग इज इज ये मोड ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है बाय

by complementary dsRNA that inhibits the translation of mRNA binds to the mRNA and prevents translation to so, we inhibit kar deta hai translation ko kaise by binding to the mRNA aap jante ho ki mRNA ek single stranded molecule hai उसके साथ जब राइबोसोम बाइंड करता है तभी ट्रांसलेशन होता है ना ये जो डीएसआरएनए फॉर्म होता है वो जाके bind कर जाएगा उसके साथ mRNA के साथ और अब mRNA के साथ जब ये bind कर गया उसको और protein में convert नहीं होने देगा

So, uh, so, रूट इसको, हाँ इसको थोड़ा मैग्निफाई किया गया है माइक्रोस्कोपिक इमेज है तो नॉर्मल रूट ऑफ टबाको प्लांट इस तरह के रहते हैं लेकिन जैसे ही ये इफेक्ट करने लगता है रूट इस तरह से डिफॉर्मड हो जाते हैं उसमें नॉट्स uh, बन जाते हैं तो इसको नॉटेड रूट भी बोला जाता है एज ए रिजल्ट वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड द प्लांट विल स्लोली स्टार्ट टू डाई ओके सो दिस इज नॉर्मल रूट दिस इज एन मेलियोडाइन इन कॉग्निशिया इन्फेक्टेड रूट ऑफ टबैको प्लांट ठीक है ना हाउ मेथड ऑफ एम आर एन एर एन एस इंटरफियरेंस वॉक्स दिस इज द मैथड एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर इज यूज टू इंट्रोड्यूस जेनेटिकली जीन इनटू द प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं है प्लांट में बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको प्लांट सेल में कोई भी जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो हम लोग एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिकस यूज करते हैं उसका टीआई प्लाजमिट से हम लोग कोई भी जीन प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसी मेथड से हम लोग मोडिफाइड नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे इन टू प्लांट बॉडी द डीएनए प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीस्ट्रेंड एंटीसेंस आर एन ए इन द होस्ट तो होस्ट सेल में वो क्या करेगा सेंस ट्रेंड भी रेप्लीकेट uh, करेगा और सॉरी ट्रांसक्राइब uh, करेगा और एंटीसेंस सेंस भी ट्रांसक्राइब करेगा जनरली क्या होता है सिर्फ सेंस ट्रेंड से आपका आरएनए बनता है ओके दैट इज द रीजन के आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है अब अगर सेंस स्टैंड एंटी सेंस स्टैंड दोनों से आरएनए बनेगा तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्ट्रक्चर लाइक दिस ठीक है नाउ द सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए विल बाइंड टुगेदर टू फॉर्म डीएस नाउ दिस डीएस साइलेंस द नेमाटोड आरएनए आफ्टर इट इन्फेक्ट्स द प्लांट

द डीएसआरएनए जो डीएसआरएनए हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया था तो उसका जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है एंटीसेंस स्टैंड ऑफ द डीएसआरएनए उसके साथ वो बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा ठीक है सो दिस इज वन काइंड ऑफ साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है तो ये जो साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है दिस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स विल बाइंड टू द एमआरएनए ऑफ द नेमाटोड ठीक है तो आरआईसीएस बाइंड्स टू द एंटीसेंस आरएनए ऑफ

so students this is about uh, the use of biotechnology in the application of agriculture okay so in the next class we will be moving on to the applications of biotechnology in the field of medicines thank you thank you everyone